मैं कुछ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे मैं इंडिया के टाइम में देख रहे हैं, यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत भीड़ है नज़ारा। गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना प्लीज। छब्बीस जनवरी का तैयारी चल रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ। ये है इंडिया का गेट, कितना अच्छा लग रहा है। छब्बीस जनवरी का तैयारी चल रहा है। मैं आपको खत्म हो गया शायद। उपस्थित श्रोतागण, मुझे आशा है कि आपने देश के इन युवा कर्णधारों द्वारा दी गई संगीतमय प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया होगा। लें भी क्यों ना, ऐसे अवसर बार बार कहाँ मिलते हैं। दिल्ली की सर्दी में अगर देश प्रेम से ओतप्रोत संगीत सुनने को मिल जाए तो हर भारतीय खुद ब खुद जोश से भर उठेगा। रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस धुन संग्राम का आयोजन 15 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक किया गया है। देवी और सज्जनों, हमारे बीच माननीय श्रीमती एलएस चैंगसन एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उपस्थित हैं। मैं माननीय श्रीमती एलएस चैंगसन एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अनुरोध करता हूं कि वह स्कूल स्टाफ एवं स्कूल बैंड टीम को उनके उत्कृष्ट बैंड प्रदर्शन के लिए स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र देकर हौसला अफजाई करें। अब मैं मिसेस लाल ठाकिमी, स्कूल टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट मिजो हाई स्कूल आइजोल मिजोरम एवं स्कूल स्टाफ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर से प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय श्रीमती एल एस चैंगसन एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रतिभाशाली स्कूली बैंड टीम को प्रशंसा पत्र द्वारा पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारी कामना है कि ये कर्मठ विद्यार्थी भविष्य में देश को नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करेंगे। देश के करीब 437 विद्यालयों में से केवल 8 चयनित विद्यालय फाइनलिस्ट के रूप में वीर सेनानियों की स्मृति में गठित इस प्रांगण में हर दिन अपनी एक कर्ण प्रिय प्रस्तुति देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय समर स्मारक के पब्लिक प्लाजा प्रांगण में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर हमारे इन कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। समारोह से संबंधित अधिक जानकारी हेतु हमारे ट्विटर हैंडल सैल्यूट टू सोल्जर को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।
है।